इकट्ठे होने वाले हैं। इस मैच में मैं खुद दूसरों की AWM को मजाक में ले लेता हूँ, और यार जो ही होता है बहुत गलत होता है। खैर सारे गलत सीन थोड़ा आगे होंगे, फिलहाल अभी यहाँ नोवो उतर रखे हैं। और यहाँ पे यार सकारेल मेरे से बहुत ज्यादा अजीब सी चल रही होती है, इतना ज्यादा स्कोप हिल रहा होता है कि क्या ही बताऊं, बड़ी मुश्किल से नॉक हुआ वो। लिटरली बता रहा हूँ, हाथी की मार दी थी। 2:30 बजे की बात है। स्किन बोलते और यहाँ पे मेरी सकारिल की गोली बिल्कुल खत्म होने को आ गई थी। मेरे को पता भी नहीं चला यार, गोली चलना अचानक से बंद हो जाती है। वो तो अच्छा हुआ आखिरी गोली पे नॉक हो जाता है वो। खैर जो भी हो, यहाँ पे एक बंदे को नॉक करके पेटी बनाई और एक बंदे की किल चोरी कर गया। खैर वहां पे मैं सकारिल छोड़ देता हूँ और यहाँ पे आप पबजी के नशे देखो जरा। नहीं और ये बंदा जो ऊपर कंटेनरों में खड़ा हुआ दिख रहा है, ये बंदा असलियत में है ही नहीं वहां पे, ये सब छलावा है, धोखा हो रहा है हमारे साथ। मतलब कई बार होता है यार, खासकर इस अपडेट जब से आया है तब से ये सीन बहुत बार होते हैं। ऐसा लगता है कि बंदा एक जगह पे खड़ा है लेकिन जितनी भी गोली मार लो मर के नहीं देता वो। खैर जो भी हो, वो गया कद्दू लेने, यार यहाँ पे बाकी बंदे आ चुके हैं तो, और वो लोग अभी दीवार के उस पार जाके बैठे हैं। वो देखना, अब यहाँ पे जो स्प्रे में सकारेल से कर रहा था वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि यार हाथ में सकारेल भी नहीं पड़ी है। तो हाँ यहाँ पे यार M762 पे ये 3x लगा के जैसे तैसे मैं चला रहा होता हूँ, एक गोली पेलता हूँ और वो कवर पे भग जाता है। खैर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दो बंदे होंगे, लेकिन सीन बिल्कुल अलग है वहां। पूरा दो है, दो है, दो है, दो है। पेड़ के नीचे सामने 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 पेड़, उन्हें ही ग्रेनेड भी, ग्रेनेड भी ग्रेनेड हटे रे हटे, हटना हटी यार तुझे गाइड दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे भाई नॉक पड़े रहते हैं और नेड ऊपर से आता है और पेटी बना के चल देता है। अबे मैं हट रहा था वे, हाथी साला वहीं पे। अरे और यहाँ पे मैंने इस सेकंड यार कसम खा ली थी कि बदला तो जरूर जरूर लेंगे। अब देखो बदला तो लेते रहेंगे यार, पहले रिवाइव दे दो जरा, है ना, कहीं बदले की आग में दूसरा टीममेट भी ठिल जाएगा, गलत सीन हो जाएंगे बिल्कुल ही। अब देखो ये बंदा जो यहां से भग के गया है, ये हमें कहीं पे भी नहीं मिलता। इसको ढूंढने के लिए हम आधी जिंदगी नोवो में बिता देते हैं, बॉट मिलते हैं, बाकी बंदे मिलते हैं, लेकिन ये बंदा यार कहीं पे भी नहीं मिलता। अब देखो इसका नाम मैंने रट लिया था बिल्कुल, जहां पे भी दिखे यार पेटी बनाएंगे बात करने के बाद। खैर यहां पे मैं ढूंढ रहा होता हूं और कोई और मिलता है। और देखो जहां तक मेरे को पता यार, ये बंदा सामने वाला बंदा जो खड़ा है एक जगह पे, जिसको यार मारना असंभव वाली बात है, उसको मारने की कोशिश कर रहा था। अब देखो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार इस बंदे का तब क्या होगा जब प्ले जोन आ जाएगा। खैर जो भी हो, ये उस पे नेट कर रहा होता है और मैं इसको पीछे से पकड़ लेता हूँ। और देखो अभी भी हमें वो बंदा नहीं मिला है जिसने हमारे भाई की नेट से पेटी बनाई, चिंटू नाम था उसका। कैसे अब देखो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत है नहीं जिंदगी में, सामने बंदे यार इनको आराम से पकड़ के पेल सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब पीछे गाड़ी लेके एक और बंदा पहुंच जाता है, न जाने कौन सी टीम का। भाई,
और यहाँ पे हम दो टीम के बीच में फंस चुके हैं, एक वो बंदा जो गाड़ी लेके आया और एक ये बंदे जो ओपन में रुक रखे थे। खैर यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ ये सोच के कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, लेकिन देखो क्या होता है। अरे अब यहाँ पे पबजी चल रहा है या फिर स्पाइडरमैन का पार्ट 69, मतलब यार वो बंदा न जाने कैसे उस दीवार के ऊपर खड़ा हो जाता है। उस दीवार को फांदने के लिए मैं यार जिंदगी बिता देता हूँ, कूदता रहता हूँ, मेरा कैरेक्टर चढ़ के नहीं देता, लेकिन यार ये भैया दीवार पे चढ़ के खड़े हो रखे उसके ऊपर। खैर ये मेरे को पेलने वाला था, लेकिन यार रिलोड की आदत बहुत बुरी आदत होती है, भैया रिलोड करते रहते हैं और मैं उनकी पेटी डाल देता हूँ। खैर अभी एक वो बंदा बाकी है जो घर की तरफ था, तो हम उसको पकड़ने के लिए हम गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं। बिल्कुल राउंड ले ले, ड्राइव बाय कर ले, मिला रहा मिला, खरीदो इनको, टाइम वेस्ट कर रहे हो दुनिया को। अब वही तो है, अब वो गोली आई। देखो पहले ये भैया पीछे से दबा दबे गेम चला रहे थे, जैसे हम घर पे पहुंचे भाई डर के भाग गए। और ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, चिंटू भैया ये वही भैया थे जिन्होंने नेड करके पेटी बनाई थी। हेलो ब्रो, हेलो, क्या नेट मारते हो यार आप तो भाई। भाई तो मर गया यार, बाय बाय। भाई कितना कैंप करते हो भाई, कितना कैंप। और ये चिंटू भैया न जाने कहाँ पर थे, लेकिन आ ये नोवो की तरफ से रहे थे, मतलब यार नोवो छान मारा, बाकी बंदे पेल दिए जिनको ढूंढ भी नहीं रहे थे, लेकिन यार हमारे चिंटू भैया मिलते नहीं। खैर जो भी हो यार बदला यहाँ पे पूरा हो चुका है, और इस बदले के लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना। ये पै पै आवाज क्यों निकाल रहा हूँ। खैर अब आगे जा रहे हैं और गलत सीन बढ़ते बढ़ते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम धड़ पर बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है वन एक्सपर्ट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और गुल्ली डंडा पे बैट बूट लगा सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको आपके पहले डिपॉजिट में मिलता है 7,000 रुपये तक का बोनस, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में होगा। और इसमें जीते हुए पैसे विड्रॉ करना बिल्कुल हलवाई कतई आराम से, क्योंकि इसमें पेटीएम, पेपाल, गूगल पे, कद्दू पे सब कुछ अवेलेबल है। तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का शौक है आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। दिमाग से पैसे कमाओ। खैर अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे एक गाड़ी रुकी हुई दिखाई दी थी हमें। पीछे तो तूने उसको ही मार दिया ना, सब मारा यार। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई यार इतनी फुर्ती से दोनों बंदे पेलता है कि हमारे भैया को पता भी नहीं चलता कि मैं दोनों बंदे पेल चुका हूँ। नॉक होने के बाद भाई चिल्ला रहे होते कि यार पीछे है बंदा, उसको भी पेलो, उसको मैं पहले ही पेल चुका था। खैर इसी के साथ मेरे ख्याल से ये वही बंदे थे जो यार ब्रिज से गाड़ी लेके भागे थे। अब देखो दिखाई मेरे को एक बंदा दिया था, लेकिन यहाँ पे आके ये दो में बदल जाते हैं। खैर जो भी हो यहाँ पे वो जगह भी खाली हो जाती है और मैं चल देता हूँ पोचंकी की ओर। और देखो यहाँ पे यार बंदे आपस में धैड़ पैड़ लड़ रहे होते हैं, तो मैं भी गाड़ी पूरी जान लगा के भगा रहा होता हूँ। ना भी अगर दिन का टाइम अभ्यास ने मार दिया यार, यही बंदे साथ काट दिया। अब यहाँ पे एक सांप को पकड़ लिया, एक घर पे बैठे बंदे को पकड़ लिया, और देखो वो भी नॉक ही हुआ था। तो मैं सोचता है यार ऊपर रिवाइव रिवाइव चल रहा होगा, लेकिन देखो होता क्या है। ओ भाई साहब, भाई साहब, भैया भाई साहब, ये तो मौली खींच रहा था यार। करा दिया भाई।
और ये भैया बोलते कि यार ये रिवाइव रिवाइव खेलना ये सब मोह माया है, कद्दू लेने गया रिवाइव खेलना, मैं तो यहाँ पे कैंपिंग कैंपिंग खेलूंगा। तो हाँ, ये भैया के टीममेट ऊपर नौ पड़े होते हैं, वो तड़प रहा होता है, बोल रहा होता है कि भैया प्लीज आता है यार, हाथ लगा दे, रस होने वाला है। लेकिन ये भाई अपनी जगह से हिल के नहीं देते, मतलब यार इतनी खतरनाक कैंपिंग की क्या ही बताऊं। हम दोनों बंदे अंदर आ जाते हैं, अंदर आके मैं मोली खींचने वाला होता हूँ। उसके बाद 4 मिनट बाद वो बंदा सोचता है कि यार गोली चलाऊं या ना चलाऊं, और आखिरकार भैया गोली चलाते हैं, और गोली चला के कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। खैर अभी वो जगह भी खाली हो गई, अब यार रोजो की पहाड़ी पे बगैर जाए कैसे काम चलेगा। तो पहुंच गए हम लोग भाई, नहीं साथ में भाई बम चला दी इसने, मार साले को, एम टू फोर, एम टू फोर है। रोजा है भाई, फाड़ दी फाड़ दी फाड़ दी फाड़ दी, डील कर ले भाई। अबे अपने सामने ही है कोई, और मैंने दूर किसी बंदे को नॉक दिया, और यार पास से कोई बंदा नेट फेंक रहा है हम पे। तुमने जो गाड़ी ठोकी है ना भाई, इतनी घटिया वाली। तो ये नॉक लड़ रहे हैं, लेफ्ट पे चले, क्या बोलता है? और यहां से मैं बंदों को सिर्फ और सिर्फ नॉक दे पा रहा हूं, पेटी किसी की बनी नहीं रही है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता मैं अभी। तो मार दिया उसने, हमने पेटी बना दी उसकी, गुरुद्वारा ने। अब यहाँ पे मैं क्राउच करके बैठा था ये सोच के कि यार कौन मार लेगा, मतलब यार क्राउच कर रखा है, कवर के अंदर हूँ, बिल्कुल सेफ है अपन। लेकिन उतने में ही धैड़ करके कहीं से M24 आती है और सीधा सर पे लग जाती है मेरे, और हो जाता हूँ मैं बिल्कुल नॉक। और यहाँ पे मामला बहुत पेचीदा चल रहा है। हाँ पेचीदा, ये मैंने शब्द कहीं से तो सीखा था, लेकिन कहाँ से सीखा था याद नहीं आ रहा है। खैर मामला बहुत गड़बड़ा सा रखा है यार, कितने बंदे हैं, कितनी टीम है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वो बंदा किधर गया जो पास से नेट कर रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी पेटी नहीं बन रही है किसी की, बस नौकी दे पा रहा हूँ बस मैं। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ यार मजाक मस्ती बहुत हो गई, मतलब यार मजाक चल रहा है इधर, मैं कब से नॉक दिए जा रहा हूँ, कोई पेटी नहीं बन के दे रहा है, कोई दिख भी नहीं रहा है अब तो। तो एक बंदा नॉक करते है, मैं बोलता हूँ भैया चलो रस करने, अपनी पेटी बनेगी या तो उसकी पेटी बनेगी, लेकिन पेटी बनेगी जरूर। तो हाँ भगते हुए मैं चल देता हूँ, पर मैं पूरे जोश में तुम्हारा भाई अभी। आगे कोई नहीं क्या अभी? और आखिरकार जाके यार जिंदगी में एक बंदे की पेटी बनती है यहाँ पे, एक बंदे की पेटी बनाई और दूसरा यहीं कहीं पे बैठा था। हाँ नहीं, ये वो नहीं था, तो नाम और था। अब देखो यहाँ पे यार इस बंदे की पेटी बनाने से पहले हमको आवाज आई थी AWM की। AWM कोई बंदा वो पानी वाली जगह से चला रहा था, वो सस्ती सी जगह है ना, पानी वाला शहर, वहां से कोई AWM चला रहा था। लेकिन मैं उसको हल्के में ले लेता हूँ, मजाक में ले लेता हूँ। अभी फ्लेयर मंगाया था, फ्लेयर आजू बाजू क्रॉप आया होगा, ले नहीं आसपास ही मंगाया था किसी ने। और यहाँ पे यार देखो भैया बोल रहे होते कि किसी ने आसपास फ्लेयर भी मंगाया था। अब देखो फ्लेयर वाले बंदे इनमें से मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। अब एक बंदे पे रोजा पड़ी है, लेकिन यार जहाँ तक मेरे को पता है फ्लेयर वाले बंदे वो हैं जो पानी वाले शहर पे बैठे हैं। और देखो यार क्या ही गलत सीन होने वाला है इधर। पड़ेगी, मिलते रहियो।
अब यहाँ पे हमारे भाई हमको बोलते कि यार पीछे से पड़ सकती है, हिलते डुलते रहना। लेकिन यार मैं हूँ हद से ज़्यादा ढीठ, मतलब इतना ढीठ क्यों हूँ मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं बात को अनसुना कर देता हूँ और देखो क्या होता है। तो कोई AWM भी चला रहा है, इधर शायद M24 चला रहा है जो सप्रेशन। भैया तुम टावर पे यार, और यहां पर मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ